हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिस्टी के टिवारिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है ब्यूटीफुल सा हमारा इंडोर प्लांट कोलियस। और ये जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों प्लांट जो है मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। और मैं आपको इनकी रूट दिखाना चाहूँगी। तो इस वाले प्लांट को मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है। और ये देखिए, इसमें जो है मैंने इसको लगाया है कोकोपीट में। तो कुछ और भी कटिंग इसमें लगी हुई है। एक्चुअली मैंने इसमें सारी की सारी कटिंग ही लगाई थी, तो मैं सेफली इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि दूसरी कटिंग जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ही बिल्कुल बिना कैमरा पॉज किए हुए मैंने इसमें से कटिंग आपको निकाल कर दिखाई है। और रूट देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी रूट बनी हुई है। तो दूसरी भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। और मैं इसका मदर प्लांट आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। तो देखिए, यह है इसका मदर प्लांट और यहाँ टॉप पे से मैंने इसको कट किया था। तो यहाँ टॉप पे से कट करने का फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ साइड से एक ब्रांच निकल चुकी है और यहाँ से दूसरी भी ज़रूर निकलेगी। तो बहुत सारी मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी। ठीक है, देखिए जैसे कि कुछ तो मैं कटाई छटाई कर देती हूँ, कुछ खुद ही टूट जाती हैं या फिर गिलहरी काट देती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला जो पोर्शन है ये भी कटा हुआ है, या तो मैंने खुद ही काटा था या गिलहरी ने काटा होगा। और यहाँ नीचे की तरफ ये देखिए, ये भी कटा हुआ है ये वाला पोर्शन। और यहाँ देखिए, यहाँ से भी कटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कट करने से तो दो ब्रांच निकली, एक ये वाली है और एक ये वाली है। प्लांट काफ़ी बुशी है। और पॉट की मैं बात करूँ तो पॉट साइज़ है इसका 4 से 5 इंच का। और ये वाली कटिंग जो है ये भी देखिए बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो इस वाली कटिंग को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि ये मिट्टी में अच्छी खासी चल रही है और मैं इसको इनडोर रखने वाली हूँ, इसीलिए मैं इस कटिंग को बिल्कुल भी छेड़ूंगी नहीं। इसकी भी रूट अच्छी खासी बन गई है, तभी तो यहाँ पर इसमें से लीव्स डेवलप हो रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसी जगह रखा था जहाँ पर कबूतर बहुत बैठते हैं, तो कबूतर ने पोटी कर रखी है, इग्नोर इट। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉट जो है मैंने अपने पॉट ले लिए हैं क्योंकि इनको इंडोर रखना है। इंडोर रखने के लिए मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, वहाँ पर मैं बड़े पॉट नहीं रख सकती। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इस टाइप का छोटा 4 इंच का पॉट और ये जो ट्रे होती है इसका यूज़ करूँगी। मिट्टी का रेशियो देखो, हम ऐसा रखेंगी। कोलियस की कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, कोलियस जो एक प्लांट है इसमें वाटर स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है और इसको पानी की रिक्वायरमेंट जिसे मैं बोलूँगी ये बहुत कम है। सबसे पहले प्रोपगेशन की बात कर लेते हैं। वाटरिंग मैंने बता दी है। वाटरिंग में आप इसको मिट्टी को चेक करके डालना, आप 4 से 5 दिन के बाद भी डाल सकते हो। और अगर मिट्टी सूख जाती है तो आप रोज़ भी इसमें वाटरिंग कर सकते हो। फिर भी मैं बोलूँगी इसकी कि पानी की नीड इसकी थोड़ी सी कम है। अब देखिए, इसको सनलाइट की मैं बात करूँ तो सन में बिल्कुल मत रखिए, ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। ठीक है, सर्दियों में ये चल सकता है आउटडोर, बट गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और प्रोपगेशन की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, तो कटिंग से ही लगेगा ये। कटिंग से लगाना इजी होता है, सीड वगैरह से मुझे नहीं पता है, ना ही मैंने कभी ग्रो किया है। कटिंग से लगाना बहुत इजी है। एक ही महीने में आप इसे पूरा काट दीजिए और एक महीने में इतने सारे प्लांट रेडी हो जाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। हैंगिंग बास्केट में लगाइए या फिर ऐसे ही किसी पॉट में लगाइए। और देखिए, डिफरेंट वैरायटी के आते हैं, डिफरेंट कलर के आते हैं। मेरे पास ये जो है, इसके आप सेडी देख रहे हो ना, सेडी, इसमें सेड जो है वो बीच बीच में है। और पर्पल कलर का ये है प्लांट, साइड में इसके ग्रीन ग्रीन है, बीच में पर्पल से कलर के इसमें सेडिंग हुई है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको लिया था, काफ़ी दिन पहले लिया था। आई थिंक इसकी रिपोर्टिंग वगैरह का वीडियो भी चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिट्टी की मैं बात करूँ, वाटरिंग हो गई, सन हो गया, मिट्टी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इसमें रखना 30 से 35% रिवर सैंड। रिवर सैंड ज़्यादा चाहिए क्योंकि जितना हम इसमें रिवर सैंड मिलाएंगे उतना ही इसमें वाटर स्टोर नहीं होगा। ठीक है, 50% मिट्टी रखना, 30 से 35% रिवर सैंड रख लेना और बाकी हिस्सा कंपोस्ट, कोई भी वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट गोबर की खाद, जिसके पास जो भी हो फ्रेंड्स वो रख लेना। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा प्लांट है, नीम ऑयल में हमेशा स्प्रे करती हूँ 15 या 20 दिन में एक बार। तो अभी तक तो मैंने कोई पेट्स लगा हुआ नहीं देखा है, तो आप भी मेरी तरह नीम ऑयल ज़रूर स्प्रे कर देना। कोई पेट्स लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने तो अभी तक इसमें कोई देखा नहीं है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, खाद वगैरह की इसको बिल्कुल ऐसी कोई खास नीड नहीं है। फिर भी आप जो भी अपने गार्डन के लिए बनाते हो वो इसके लिए भी बनाइए और लिक्विड फॉर्म में डालिए। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में डालने का फ़ायदा ये होता है कि प्लांट जो है बहुत जल्दी ग्रोथ पर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पॉट ले लिए हैं, पॉट के नीचे होल भी आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। होल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे से छोटा पॉट लोगे तो भी अच्छा चलेगा, बड़ा पॉट लोगे तो और भी घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। बुशी होने का तरीका यही है कि आप इसकी कटिंग करते रहो, जितना कटिंग करोगे उतना घना बुशी प्लांट बनेगा और देखने में बहुत अच्छी आपके गार्डन में, आपके घर में ये
कलरिंग जिसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा सा कलर फैलाएगा आपके घर में। तो नीचे के होल को आप मिट्टी या पत्थर या किसी भी चीज़ के टुकड़े से इसको कवर कर लीजिए, और मिट्टी का रेशो मैंने आपको बता दिया है वही मिट्टी भर लीजिए। कुछ प्लांट के लिए मैंने मिट्टी रेडी कर रखी है, इसके लिए मैं मिट्टी अभी रेडी कर इसमें भर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनमें मिट्टी फिल कर ली है हाफ। उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा, इसमें मैंने डाला है अपना नीम की खली दोनों पॉट में, और उसके बाद चुटकी भर के मैंने इसमें डाला है अपना एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट ऐसा होता है फ्रेंड्स कि वो प्लांट को जो रूट होती हैं उनको डेवलप होने में, उनको सेट होने में हेल्प करता है। तो जिन भाई बहनों के पास एप्सम सॉल्ट नहीं है तो प्लीज़ एप्सम सॉल्ट ले आइए, वो बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर आप कटिंग ग्रो करना चाहते हो मेरे तरह सक्सेसफुली, कटिंग कैसे ग्रो करते हैं उसके बहुत सारे वीडियो हैं चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में एक आधी लिंक मैं डाल दूँगी, आप देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो कटिंग को ग्रो करने के लिए मेरी तरह, जैसे कि मैं बोल रही थी, अगर आपको ग्रो करनी है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको लाना होगा कोकोपीट। कोकोपीट ज़रूर ले आइए फ्रेंड्स। तो इतनी अच्छी रूट जो है कोकोपीट की वजह से ही निकलती है। मैं भी बहुत परेशान थी पहले, मुझे नहीं पता था सिर्फ मिट्टी 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 से नहीं होता है, कोकोपीट भी थोड़ा सा लेना पड़ता है। तो देखिए मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो मैंने कटिंग रेडी किया ना फ्रेंड्स, वो दोनों कटिंग मैं इसी में लगा देती हूँ, और इस वाले पॉट में आपको कटिंग ग्रो करना बता दूँगी, ठीक है। तो एक ही वीडियो में हमारे दो काम हो जाएंगे। तो देखिए पहले इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए प्लांट ऐसा है, ज़्यादा बिल्कुल केयर नहीं मांगता है। आप महीने में ज़रा सा खाद दे दोगे ना एक मुट्ठी भर कर तो भी आराम से चलता रहेगा, अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी ग्रोथ चाहिए तो ज़रूर डाल देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए इसकी भी रूट अच्छी हुई है, दोनों की रूट में आप अंतर देख सकते हो फ्रेंड्स। उस वाले की रूट कितनी अच्छी थी कोकोपीट वाले की, और इसकी भी है, बट जितनी उसमें थी उतनी नहीं है। तो दोनों तरीके अच्छे होते हैं, ग्रो ज़रूर कीजिए। आप अपने घर में या अपने गार्डन में कम से कम 2 से 3 प्लांट ज़रूर रखिए फ्रेंड्स। अगर आप मेरी तरह ज़्यादा बड़ा गार्डन नहीं रेडी कर सकते तो 4-5 प्लांट ऐसे रख लीजिए जो बिल्कुल लो मेंटेनेंस हैं। कमेंट करना, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि हमें कुछ ऐसे प्लांट जानने हैं जो इंडोर रख सकते हैं और बिल्कुल केयर नहीं मांगते, हार्डी प्लांट है जिनको रखकर हमें थोड़े से बेनिफिट हो, जैसे कि या तो उसकी मेडिसिन वैल्यू हो या फिर वो हमें बहुत अच्छी एयर प्योरीफाई करके देता हो। कमेंट करोगे तो ज़रूर बना दूंगी एक सेपरेट वीडियो अलग से, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को मैं सेट कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वाले ट्रे को देख के तो मेरे हस्बैंड खुशी हो जाएंगे कि बिल्कुल छोटी सी जगह में ये सेट हो गई है और तुमने बहुत अच्छा बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इनको सेट कर लेती हूँ और इसी से 2-3 कटिंग लेके फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको अच्छे से सेट कर दिया है और अपनी कटिंग मैंने ले ली है। कटिंग ग्रो करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको ऊपर की कम से कम लीफ रखनी है और नीचे नोड एरिया आपको ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे 4 नोड एरिया हैं, मैं 1-2 इसमें से लीव्स और निकाल देती हूँ। बहुत आराम से निकालिएगा, आपका प्लांट जो है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से जितनी कम लीव्स होगी उतनी इसको ग्रोथ होने में हेल्प करेगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने ले ली है कटिंग, ठीक है। तरीका सिर्फ यही है, ज़्यादा से ज़्यादा नोड नीचे की तरफ होनी चाहिए और बस मिट्टी में आप होल कीजिए ऐसे, सीधा का सीधा कटिंग मत घुसाइएगा नहीं तो ख़राब हो जाएगी। चाहो तो रूटिंग हार्मोन लगा लेना, नहीं है तो मत लगाइए, और नहीं तो आप सीधा इसमें ऐसे ही लगा दीजिए। और आप एक काम और कर सकते हो, हल्दी जो है वो भी रूटिंग हार्मोन का काम करता है, एलोवेरा भी, और सिनेमन पाउडर अगर किसी के पास हो तो वो भी रूटिंग हार्मोन का काम करता है। अच्छे रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन पाउडर ज़रूर ले लीजिए, वो हेल्प करता है। तो मैं भी रूटिंग हार्मोन ले आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो कटिंग थी फ्रेंड्स, ये बिना रूटिंग हार्मोन के मैंने ग्रो की थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम आई थिंक रूटिंग हार्मोन नहीं था या फिर मैं लगाना भूल गई थी। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने लगा ली है ये वाली कटिंग बिना रूटिंग हार्मोन के, ठीक है। इसमें हमने नहीं लगाया है, मैं रूटिंग हार्मोन ले आती हूँ। इन दोनों कटिंग में मैं अपना रूटिंग हार्मोन लगा लेती हूँ और उसके बाद किसी न किसी वीडियो में इनका अपडेट दिखाऊँगी कि कौन सी की रूट जो है वो अच्छी डेवलप हुई है। ये भी बिना रूटिंग हार्मोन की है और ये वाली भी बिना रूटिंग हार्मोन की, इसमें मैंने 3 कटिंग लगा दी है। तो रूटिंग हार्मोन ले आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास है ये रूटेक्स। रूटिंग हार्मोन के अलग अलग कंपनियों के आते हैं, तो आप कोई भी बोलकर जो सोप होती है वहाँ से ले सकते हो। गार्डनिंग की सोप जो होती है, सोप बोल रही हूँ मैं, जो दुकानें होती हैं वहीं से आप लेना, ठीक है। ऐसे कहीं से कुछ भी मत लेना, जहाँ पर सीड वगैरह मिलते हैं वहीं से लेना। तो देखिए ये ऊपर तक भरा हुआ था, इतना होता है, तो काफ़ी कटिंग सारी मैंने लगाई हैं तो ये बहुत हेल्प करता है। तो हम भी इसका यूज़ करके अपनी कटिंग लगा लेते हैं। ये देखिए आपको यूज़ कैसे करना है, दोबारा से हम अपनी कटिंग बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद बताते हैं करना क्या है। सिंपली आपको अपने को रूटिंग हार्मोन में ऐसे डिप करना है, एक्स्ट्रा वाले को आपको झाड़ देना है,
ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरे वाले को भी ऐसे ही ले लेते हैं, जितनी नोड एरिया पे लगेगा उतना अच्छा है। ये देखिए अच्छे से लगा लिया, एक्स्ट्रा वाले को झाड़ देना है और हेल्प लेना किसी टूल की या अपनी फिंगर की, और ऐसे ही मत लगा देना। ये देखिए आपको ऐसे होल बनाना है, ठीक है। होल बना के लगाओगे तो जो रूटिंग हार्मोन है वो नहीं हटेगा, और अगर आपने होल नहीं बनाया तो जो रूटिंग हार्मोन है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लगाना है, फिंगर की हेल्प से ही कर लीजिए या कोई टूल रख लीजिए, या फिर किसी के पास कोई पुराना ब्रश पड़ा हो टूथ ब्रश उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब बहुत काम आता है सीडलिंग वगैरह को ग्रो करने के लिए या इस टाइप से होल बनाने के लिए। तो जो मिट्टी मैंने आपको बताई है वही मिट्टी मैं इसमें भर लेती हूँ जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स मिट्टी भर ली हमने, अब वाटरिंग कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो घंटे का बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप मेरा वीडियो देख सको। और ऑल पे प्रेस करना नोटिफिकेशन बेल को, इसमें भी हमने वाटरिंग कर दी है। और मैं अभी इसे रख दूँगी 5-6 दिन के लिए या 10 दिन के लिए सेडी एरिया में। जब मुझे लगेगा कि इस पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो मैं इसे धीरे धीरे सन में ले आऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।